Use it. कब स्पेशल क्लास कर दे? कब लेनी है बताइए आप। सैटरडे को ले देंगे, ठीक है सर। ओके ओके, वो मैंने भर दिया है, वो सीट देख लेना आप, है ना। गूगल फॉर्म तो नहीं फिल कर पाया लेकिन सीट फिल कर दी है मैंने, जो गूगल सीट होती है सर। पहले सीट भर दी मैंने, गूगल फॉर्म ही भर दूंगा, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ सर, है ना। हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ आर यू ऑडिबल विजिबल टू एवरीवन? ओके ओके, गुड आफ्टरनून जी। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस। ओके, इसकी हम चर्चा करेंगे बच्चों। आ जाएं सारे बच्चे और आपके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इस टाइम में बच्चा सोता रहता है, मुझे ऐसा लगता है इस टाइम में बच्चा सोता ही रहता है। शुरू करें? हाँ, थोड़ा सा जाग जाइए आप। चलिए थोड़ा सा जाग जाइए, शुरू करते हैं। ये पिक बेटा मैं ही हूँ इस पिक में, ठीक है? हाँ, तो हल्के बना ले, आगे चलिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, अभी के लिए जो प्राइसेस हाइक हो बेटर है, आप उससे पहले ही प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। 3 मंथ के प्लान में आपको बच्चों 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलता है। नीट यूजी जो 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है प्लान है। इसमें आपको सैम कोड अप्लाई करना है पटेल 10, साथ में नीट यूजी पर ऑल इंडिया लेवल पर आपको देखो ये स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है। मार्च 27 को ये टेस्ट होगा। इसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है। सारे बैचेज में आप पढ़ पाएंगे। एक बार आपने पटेल 10 कोड यूज करके अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया तो सारे कोर्सेज में आप अप्लाई कर पाएंगे, सारे कोर्सेज अनलॉक कर पाएंगे। ओके, एवरी बैच। ओके, साथ में आपको टेट सीरीज जो है, टेट सीरीज यदि आप 6 महीने की चाहते हैं उसकी फीस है 1890 और 18 मंथ की चाहते हैं उसकी फीस है आपकी 4499। PYQ का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलता है। अनअकैडमी आज के डाउट फीचर है, किसी भाषा में आप डाउट पूछ सकते हैं कभी भी 24/7। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। हाँ जी, आप सीरियस लग रहे हैं? नहीं, वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। एकदम आप एनर्जी में आ जाइए थोड़ा सा। हाँ जी, एकदम एनर्जी में आ जाए, जल्दी फटाफट शुरू करते हैं। एकदम एनर्जी में आ जाए सारे बच्चे। यस बच्चों, राइट, एनर्जी एंड यस। ओके, वेरी गुड। तभी मैं वैक्स लगा के आया, ठीक है, अब मेरे बाल नहीं हिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम पास के। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, इट्स प्रिंसिपल एंड इट्स प्रोसेस। एनर्जी के साथ रहेंगे तो इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। ज्यादा ज्यादा दोस्तों में शेयर करना नहीं बोला है आप, तो शुरू कर देते हैं। हेलो गाइज, हेलो गाइज, तो गाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट। बायोटेक्नोलॉजी किसके साथ डील करती है बच्चों? बायोटेक्नोलॉजी डील करती है, अपन क्या बना रहे हैं, अपन एंजाइम बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? एंजाइम, और ऐसे प्रोडक्ट, सॉरी, हम ऐसे प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जिनसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर उनसे निकलने वाले एंजाइम, या तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बेटा अपन क्या कह रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या कर रहे हैं अपन, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपन प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट कैसे होते हैं जो कि ह्यूमन के लिए फायदेमंद होते हैं, ह्यूमन के लिए वेलफेयर होते हैं। वो प्रोडक्ट हम या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को काम में लेते हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकलने वाला जो एंजाइम होता है उसको काम में लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा दूध से दही बनना, ब्रेड, वाइन, ये सब आपने देखा होगा। ये तो है बेटा माइक्रोबायोलॉजी, इसमें काम आता है, नहीं आता, माइक्रो इसमें काम आता है।
तो एक तरीके का अपन इसको बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे डीएनए की वैक्सीन है, टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये सब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही बनते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है बच्चों, ये वाला, ये क्वेश्चन आता है नीट में, ईएफवी की डेफिनेशन क्या होती है, ये आपसे पूछता है। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इसने क्या डेफिनेशन दिया है बायोटेक में, याद रखिएगा बेटा। यार सर यू आर मैरिड, भाई तुझे शक्ल से लगता है, है? चलो आगे चलिए। ईएफवी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये बताती है कि बायोटेक के अंदर आता है ट्रेडिशनल व्यू और मॉडर्न, दोनों को हमको उसके अंदर एनकंपेसिस करना है, दोनों को ही समाहित करना है। ठीक है, पुराने तरीके से जैसे दूध से दही बनता था, फर्मेंटेशन होता था, और आज की जो मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी है, दोनों को मिलाकर के ईएफवी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने डेफिनेशन दिया बायोटेक का। क्या डेफिनेशन दिया बेटा, डेफिनेशन दिया इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स सेल्स पार्ट एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस। मतलब इसके अंदर अपन नेचुरल साइंस को भी पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म को भी पढ़ेंगे, और सेल के लेवल पर भी पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म सेल उसके जो पार्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को आप, राइट? ओके, ये सब क्वेश्चंस आपके यहां हम कवर करने जा रहे हैं। क्लियर है बात? दैट इज मच मच इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स गो फर्दर। आगे देखिए, जो बायोटेक्नोलॉजी होता है उसके यहां पर तीन टायर दे रखे हैं बेटा। मेनली अपन बात करेंगे जेनेटिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है, डीएनए और जो आरएनए होता है, वो क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल। हम उनकी केमिस्ट्री चेंज कर देते हैं, मतलब हम बाहर से वो जेनेटिक मटेरियल जो है अपना, उसमें कुछ पार्ट बाहर से इंसर्ट कर देते हैं, राइट? तो इस तरीके से अपन जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर रहे हैं। एक होता है बायो प्रोसेस, वो तो जेनेटिकल इंजीनियरिंग है, ये है बायो प्रोसेस। बायो प्रोसेस के अंदर क्या कर रहे हैं अपन, जैसे अपन को ओटी बनाना है, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर, तो वहां पर हम और कोई बैक्टीरिया चाहते ही नहीं है, राइट? तो अपन क्या चाहते हैं, स्टराइल एटमॉस्फेयर चाहते हैं और माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री जोन चाहते हैं, ठीक है, राइट? जहां पर हम जो माइक्रोब चाहते हैं वही ग्रोथ कर पाए, ठीक है। जैसे अपन चाहते हैं एंटीबायोटिक बनाना, हम चाहते हैं वैक्सीन बनाना, हम चाहते हैं एंजाइम बनाना, तो ये हम कैसे बना पा रहे हैं, ये हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के थ्रू ही बना पा रहे हैं। बात समझ आ रही है बेटा? बात समझ आ रही है? ओके, अब आगे बात समझे। देखिए, अब यहां से और क्वेश्चन क्या बनता है, यहां से बेटा क्वेश्चन बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, जीन क्लोनिंग क्या होती है, जीन ट्रांसफर क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये कुछ क्वेश्चन है जिनको आपको थोड़ा समझना है, ठीक है। यह सर ये चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ बोर्ड के लिए, तो भाई बोर्ड के लिए पूरा ध्यान से पढ़, ठीक है, ज्यादा अंडरलाइन करके पढ़ा रहे हैं, वहां आपको समझना है। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन में और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, उसमें डिफरेंस क्या है, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट ये बनता है हमें हाइब्रिडाइजेशन से ये बायोटेक्नोलॉजी अलग कैसे है, डिफरेंस कैसे है। बच्चों डिफरेंस इस तरीके से है, ध्यान समझना, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर तो क्या होता था, हम लोग कुछ नया बनाते थे, हम लोग क्रॉस कराते थे और कुछ नया बनाते थे, बनाते तो थे, अब नया तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बायोटेक इसमें भी बना रहे हैं, फिर डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ऐसा हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो आप नया बना रहे हैं उसमें सारे जीन आपके अकॉर्डिंग हों या आप जो चाहते हों वही हों ऐसा जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं आप। जबकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, जीन क्लोनिंग में, या कि जीन ट्रांसफर जो अपन यूज करते हैं, उसमें हमको क्या मिला, उसमें हमको ऐसे ऐसे जीन मिले जो हम चाहते हैं, डिजायरेबल जीन हमको ज्यादा मिले, डिजायरेबल जीन का जो एक्सप्रेशन है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ज्यादा हुआ। बात समझ पा रहे हैं आप, बायोटेक्नोलॉजी की बात आप समझ पा रहे हैं बेटा? लैग हो रहा है, सबको दिख रहा है क्या? ओके, तो ये बड़ा ही बेसिक डिफरेंस है जो हमें समझना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हम डिजायरेबल जीन्स को अच्छे से प्रमोट कर पाते हैं, जबकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन में अनडिजायरेबल जीन भी बहुत सारे हो जाते हैं डिजायरेबल जीन के साथ साथ। ये एक बड़ा ही मेजर डिफरेंस है, ट्रेडिशनल तरीका है हाइब्रिडाइजेशन और मॉडर्न तरीका है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यस, इट इज वेरी क्लियर, बहुत बढ़िया। अब सुनिए, आगे ये बात कहना चाह रहा है कि भाई चलो ठीक है, आपको कोई पीस ऑफ डीएनए मिल गया और आप नए डीएनए में उसको इंसर्ट करना चाहते हो, राइट? ठीक है,
तो हम इंसर्ट कर दोगे, उससे क्या होगा, वो तो आप एक पर्टिकुलर डीएनए में करोगे, बाकी सब में वो कैसे जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं करेगा। तो उसका मल्टीप्लाई करना खुद से बहुत जरूरी है। ये कैसे हो पाएगा, आपने जिस सेल में डाला है उसके, जिस आपने डीएनए में डाला है, जिस आपने होस्ट में डाला है, उसमें खुद में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो मल्टीप्लाई कर पाए। क्या कर पाए, वो मल्टीप्लाई कर पाए, समझ रहे हैं बच्चों। तो हम क्या करते हैं, ऐसा होस्ट लेते हैं, ऐसा होस्ट लेते हैं जिसके पास क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसे कहते हैं बेटा ओ आर आई। क्या कहते हैं इसको, ओ आर आई, बात समझ रहे हैं आप, क्या होता है उसमें ओ आर आई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सर क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है आपने डीएनए को पर्टिकुलर होस्ट में डाल दिया, लेकिन जब वो आगे उसकी कॉपी नहीं बनेंगी तो क्या काम का, कोई काम का है, कोई काम का नहीं है, उसकी कॉपी बननी चाहिए। तो कॉपी बनने के लिए होस्ट के अंदर कोई फिक्स साइट होती है, वहीं पर आपको उसे फॉरेन डीएनए को ऐड करना होगा, वहीं पर ऐड करेंगे आप तभी जाकर के वो कॉपी कर पाएगा। तो ओआरआई क्या है, ओआरआई क्या है, स्पेसिफिक सीक्वेंस ही है। ओआरआई क्या होती है, स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां पर हम एलियन डीएनए को लिंक कर देते हैं। बात समझ आ रहा है। और जब एलियन डीएनए लिंक होगा, वहां पर जब कॉपीज बनेंगी, तो ये कॉपीज बनना ही क्या कहलाता है, क्लोनिंग कहलाता है, या मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज वहां पर बन जाती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को आप, इट इज वेरी क्लियर, राइट। तो सबसे पहले जो इतनी सारी बातें हम आपसे कहना चाह रहे हैं, तो ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बात की शुरुआत करी, मतलब बायोटेक में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना ये सब शुरुआत किसने करी। तो दो साइंटिस्ट हैं जिनका आपको बहुत अच्छे से नाम पता होना चाहिए, ठीक है, वो है आपका स्टानले कोहन एंड हर्बर्ट बोअर। स्टानले कोहन एंड हर्बर्ट बोअर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बच्चों कंस्ट्रक्ट किया एक फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया, बनाया। कैसे बनाया, इस बात को समझिएगा, उन्होंने क्या किया, जो नेटिव जो प्लाज्मिड होता है, नेटिव प्लाज्मिड, उसको तो एज ए वेक्टर काम में ले लिया, एज ए कैरियर काम में ले लिया, ठीक है, और उसमें उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को इंसर्ट कर दिया। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को इंसर्ट किया किसमें, किया प्लाज्मिड में। वो नेटिव प्लाज्मिड मिलता किस बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफ्यूमूरियम। तो क्या मतलब है इस लाइन का, इस लाइन का पूरा मतलब है, स्टानले एंड हर्बर्ट जो बोअर हैं, उन लोगों ने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला, समझ रहे मेरी बात को, साल्मोनेला टाइफ्यूमूरियम। इस साल्मोनेला टाइफ्यूमूरियम बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है, उसे अपन कहते हैं प्लाज्मिड, राइट। प्लाज्मिड इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है, राइट। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इसको खोलने जा रहे हैं, तो प्लाज्मिड हम कट लगाएंगे और वहां पर एलियन डीएनए को ऐड कर देंगे, समझ पा रहे हैं आप, वहां पर एलियन डीएनए को ऐड कर देंगे। मुझे लगता है तुमको डायग्राम की जरूरत है, लग रहा है ना तुम्हें ऐसा, मुझे लग रहा है यू नीड डायग्राम, राइट। चलो तुम्हें कुछ डायग्राम दिखा देते हैं, थोड़ा तुमको रटना नहीं पड़ेगा, वरना तुम क्या थोड़े से रट रहे हो इस चीज को। चलो अभी तो वो सब अवेलेबल नहीं है, देखना पड़ेगा। चलो एनसीईआरटी फॉर, देखो इसमें डायग्राम और आगे आपको दिख जाएगा। तो हर्बर्ट कोहर और इन्होंने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनाया, उसमें उन्होंने कुछ एंजाइम को काम में लिया, उन्हें कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर। क्या होते हैं, देखिए सीजर का काम क्या होता है, सीजर का काम क्या होता है, काटना, नहीं नहीं ये सीजर है तुम्हारी या तुम्हारा एक्स नहीं, समझ रहे हैं आप, कल को बोलने लग जाओ क्या सर ये काम तो
हमारा या हमारे एक्स भी करता था या करती थी, राइट? तो ये वो नहीं है, ये मॉलिकुलर सीजर है, ये काटता तो है लेकिन ये रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम है, ये डीएनए को काटता है, समझ रहे आ रहे हैं? हाँ जी, ये डीएनए को कट करता है, और डीएनए को कट करने वाले जो रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम होते हैं इसके बारे में भी आगे डिटेल बात है, कितने टाइप के होते हैं, कहाँ से निकाले गए, बिला बिला बिला, ठीक है? तो इसमें जो शुरू में जो बात दे रखी है ना, वही बात आगे हम एक एक को पढ़ेंगे। तो क्या क्या हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, हम पहले हमको पता होना चाहिए किस डीएनए को हम ऐड कर रहे हैं। डीएनए उसमें क्या होना, डीएनए में क्या होते हैं, जीन। तो डीएनए विद डिजायरेबल जीन उसके पास है या नहीं है, अभी तक का बेस्ट डायलॉग ये सही था। हेलो शिरवान, जफाया, अयान, तान्या, अंजलि, अमृता, गुड इवनिंग बच्चों। देखो ये वो टाइम होता है इवनिंग का, आफ्टरनून का, जिसमें बहुत कम बच्चे पढ़ने आते हैं, सही बात है ना? बहुत कम बच्चों का पढ़ने का मन करता है इस टाइम में। सही टाइम पर बच्चा आता है 9 बजे, उससे पहले वो आराम से सोता रहता है। लेकिन तुम्हें पता ही है कि मैं चाहता हूं कि तुमको ज्यादा ज्यादा फायदा मिल जाए, लेकिन तुम लोग ऐसा चाहते नहीं हो अपने साथ। थोड़ा बच्चे बच्चे बढ़ाओ यार, मुझे कम बच्चों में पढ़ाने में थोड़ा कम मजा आता है। अब आए हैं बच्चे, आओ आओ जल्दी आओ। सर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फीमेल होगी ना, क्योंकि वो काटती है। अरे भाई 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 भाई, चलो आगे चलो। आपने उस डीएनए को आइडेंटिफाई कर लिया जिसमें डिजायरेबल जीन है, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है उस डीएनए को इंसर्ट करना होस्ट के अंदर। तो पहले तो आप क्या करेंगे, उस आइडेंटिफाइड डीएनए को होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। अब इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, अपनी मर्जी से थोड़ी करेंगे, ये पूरा आगे मैकेनिज्म है, पूरा मैकेनिज्म है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? और आपने इंट्रोड्यूस कर दिया तो उसकी कॉपी बनना भी तो जरूरी है कि नहीं है? है। तो यही सब बातें पर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो टूल होता है वो होता है रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स। क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम, ये सबसे पहला टूल है बच्चों। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे पहले इनको डिस्कवर किया गया था 1963 में, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे दो एंजाइम। कितने एंजाइम किए थे, दो। क्यों किए थे, देखा था कि यार कुछ जो बैक्टीरिया है ना, जैसे इकोलाई है, तो इकोलाई क्या करता है, इकोलाई पर अटैक करता है बेटा बैक्टीरियोफेज। कौन अटैक करता है, बैक्टीरियोफेज। तो उसने देखा कि इकोलाई बैक्टीरियोफेज को ग्रोथ करने को रोकता है, और वो रोकता है कुछ एंजाइम के थ्रू, उसी एंजाइम को उन्होंने कहा रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम। ये दो एंजाइम डिस्कवर किए गए। तो कैसे कैसे ये काम करते हैं, एक एंजाइम तो क्या करता है बच्चों, एक एंजाइम मेथिल ग्रुप ऐड करता है डीएनए में, डीएनए में, किसके डीएनए में, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज के डीएनए में मेथिल ग्रुप ऐड करता है। दूसरा उस पर्टिकुलर बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट करने लग जाता है। तो यहां पर जो कट करता है ना, कट करने वाला, उसी को अपन ने कहा है रिस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लिएज। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो टाइप के होते हैं, एक तो जो डीएनए में मेथिल ग्रुप ऐड करता है, दूसरा जो डीएनए को कट करता है। तो रिस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लिएज हैव टू टाइप, सॉरी रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम हैव टू टाइप, उसमें जो कट करने वाला है उसी को कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। यहां तक बात समझ में आ गई क्या, समझ में आ गया है जी, समझ में आ गया। अब दूसरी बात समझिए, सबसे पहला काटने वाला एंजाइम, नाम बताइए उसका, जिसने सबसे पहले काटने की शुरुआत करी, जल्दी बोलो। जी हाँ, सबसे पहले काटने की शुरुआत हाइंड सेकंड ने करी थी, हाइंड सेकंड। तो हाइंड सेकंड जो होता है, हाइंड सेकंड ऐसे ही नहीं काटता, समझ रहे हैं आप, स्पेसिफिक साइट पे काटता है, और जिन स्पेसिफिक साइट पर ये एंडोन्यूक्लियस काटते हैं, हाइंड 11 नहीं है, हाइंड सेकंड है वो, ठीक है? जिस स्पेसिफिक साइट पर वो काटते हैं उस साइट को अपन कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। वो उनके लिए रिकॉग्निशन सीक्वेंस होते हैं, जिनको वो रिकॉग्नाइज करते हैं, भाई मुझे यहां कट लगाना है, मुझे यहां कट लगाना है, ठीक है? तो उसे हाइंड सेकंड के लिए रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है, वो पूरे आगे बात करेंगे। अब बच्चों आगे हाइंड सेकंड आगे है,
आगे बात है, सिर्फ हाई एंड सेकेंड ही नहीं, आज के टाइम पर हम 900 से ज्यादा 900 से भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम के बारे में जानते हैं, और हमने इन एंजाइम को 230 डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से निकाला गया है। तो इस लाइन को बच्चा पढ़ तो लेता है लेकिन समझ नहीं पाता। समझ पा रहे हैं आप कि सर स्ट्रेन क्या होता है? समझ नहीं पाया। ये तो पता है कि चलो ठीक है, आज के टाइम पे हमें 900 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम पता है, दैट्स ओके। बट आपने जो बोला कि 200 से 30 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से निकाला गया, उससे भी ज्यादा, ये थोड़ा समझ नहीं पाया, राइट? तो बच्चों 230 जो स्ट्रेन यहां पर लिखा हुआ है, इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूं। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेन का मतलब होता है बेटा डिफरेंट जीनोटाइप। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे को इंसुलिन निकालना है, क्या निकालना है? इंसुलिन। तो इंसुलिन मान लीजिए मैं 230 ह्यूमन से निकालता हूं, 203 ह्यूमन, तो सारे ह्यूमन कैसे रहेंगे? एक दूसरे से अलग रहेंगे नहीं रहेंगे? अलग रहेंगे नहीं रहेंगे? अलग रहेंगे ना, राइट? तो अलग रहेंगे मतलब डिफरेंट जीनोटाइप। तो स्ट्रेन का मतलब होता है बैक्टीरिया का जीनोटाइप अलग अलग।